Hey guys, welcome back to my channel Artin Lifafa and welcome back to another video of management process and organization behavior. So this is the topic which name is learning. Learning jaise sabko pata hai hum seekhte hain to use hi learning kehte hain. Lekin it is the process by which a person construct knowledge, skills and capability. Learning basically kya hoti hai? Hum seekhte hain usko कैपेबिलिटी को कंस्ट्रक्ट करते हैं और अपनी स्किल्स को भी कंस्ट्रक्ट करते हैं. लर्निंग एक ऐसी टेक्निक होती है जो हमारी कभी रुकती नहीं है. मतलब कि जब हम सीखने की बात करते हैं तो सीखने की ना तो कोई एज होती है और ना ही कोई लिमिट होती है. हम कितना भी सीख सकते हैं और कितना भी किसी भी एज में सीख सकते हैं. सो दिस इज़ अ ब्रीफ ऑफ लर्निंग. नाउ कम्स टू प्रोसेस ऑफ लर्निंग. जब हम प्रोसेस की बात करते हैं लर्निंग के अंदर तो सबसे पहले हम देखते हैं अटेंशन. जब लर्निंग की बात हो रही होती है तो सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो चाहिए होती है हमें अटेंशन. जब हमें कुछ सीखना होता है तो हमें उसकी तरफ पूरा अटेंटिव होना ज़रूरी है, वरना उस चीज़ का हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा, कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी. सेकेंड इज एक्सपेक्टेंसी. जब हम लर्निंग की बात करते हैं, हम कुछ सीखना चाहते हैं तो हम ऑब्वियसली उस चीज़ से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, तभी हम उस चीज़ को सीखते हैं. अदरवाइज हम एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से उसको निकाल देंगे, तो उसको हम लर्निंग नहीं कहते हैं. तो जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो उस पर एक्सपेक्टेंसी भी होनी चाहिए. थर्ड पॉइंट इज़ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू वर्किंग मेमोरी. अब जब हमें वो लग रहा है कि जो हम सीखना चाह रहे हैं वो हमारे एक्सपेक्ट करते हैं हम उससे कुछ, हम चाहते हैं इसको सीखना, तो उसको जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम अपनी वर्किंग मेमोरी में ट्रांसफ़र करते हैं कि हम उसको सीख रहे हैं तो हमारे लिए ये यूज़फुल है. हम अपना एक माइंडसेट बना के चलते हैं और उसको हमारी वर्किंग मेमोरी में ऑटोमेटिकली वो जो ट्रांसफ़र हो ही जाता है, वो ब्रेन का पार्ट होता है, वो अपना ब्रेन उसको ट्रांसफ़र कर देता है. क्योंकि हमें इंटरनली लगता है कि हमें ये चीज़, ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए. नेक्स्ट इज सिलेक्टिव परसेप्शन. अब सिलेक्टिव परसेप्शन का लर्निंग में क्या रोल होता है कि जब हम किसी थर्ड पर्सन से या किसी सेकेंड पर्सन से कुछ चीज़ सीख रहे होते हैं तो वो क्या होता है, द लर्नर फोकसेस ऑन इंस्ट्रक्शनल प्रेजेंटेशन वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट. तो जो लर्नर है वो जो सामने वाला सिखा रहा है वो उस पर उसका पूरा फोकस होता है और जो फर्स्ट सेकंड चीज़ वो बोलता है वो उसका हमारे ब्रेन पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है. तो इसको एक तरह से हम बोलते हैं सिलेक्टिव परसेप्शन, क्योंकि हमारा माइंड कुछ सिलेक्टेड चीज़ें ही एक्सेप्ट करता है जिनको हम परस्यू कर लेते हैं. मतलब एक तरह से उनके लिए अपनी परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं. तो जब भी हम लर्निंग की बात करते हैं इस चीज़ को ध्यान रखें कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो सही मिल रही है या गलत मिल रही है. सेकेंड उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट इनकोडिंग. इनकोडिंग में क्या होता है, जब हमें लगता है कि हाँ हमारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है और वो इन्फॉर्मेशन सही है और वो इन्फॉर्मेशन हमारी यूज़फुल की है, तो हम उसको इनकोड करते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में ताकि वो हमें लंबे समय तक याद रहे. जैसे कि अगर सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका लेते हैं हम ABCD, हमें अल्फ़ाबेट्स याद रहते हैं, हमें बचपन में सिखाए जाते हैं, वो हमें अब तक भी याद है क्योंकि वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में एक तरह से एडजस्ट हो गए हैं. नेक्स्ट आता है हमारा रिस्पॉन्डिंग. रिस्पॉन्डिंग क्या होता है, अब जब हमें कोई चीज़ हमारी एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में एडजस्ट हो गई है तो अब उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, एक्टिवली यूज़ होगा. मतलब कि हम उनको रेगुलरली यूज़ करेंगे या तो, या फिर कोई भी अगर हम रैंडम भी अगर बैठे तो वो हमारा एक्टिवली यूज़ होंगी वो चीज़ें जो हमने लर्न करी हैं. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फीडबैक. अब फीडबैक में क्या होता है, जब हम उनको चीज़ों को एक्टिवली यूज़ करने लग जाएंगे तो मोर फोकस इज ऑन सिलेक्टिव परसेप्शन अंटिल इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन लर्न. अब इन सब चीज़ों से हमारा फीडबैक क्या निकलेगा कि जब हमने सिलेक्टिव परसेप्शन में वो चीज़ सुनी थी जिनका हमें ये नहीं पता कि ये सही है या नहीं है, तो हम उस पर वर्क करना शुरू करेंगे कि अगर इस चीज़ में ये कमी है तो इस चीज़ को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. मतलब कि अगर हमें किसी चीज़ का गलत इन्फॉर्मेशन मिले तो उसको हम सही करेंगे जिससे हमारी लर्निंग इम्प्रूव होगी. अब जब हमारी हर चीज़ की थ्योरीज होती हैं तो ऑब्वियसली हमारी लर्निंग की भी कुछ थ्योरीज होंगी, तो हमारी लर्निंग की थ्योरीज भी होती हैं. लर्निंग की हमारी तीन थ्योरीज होती हैं. सबसे पहली थ्योरी हमारी होती है कनेक्शनिस्ट लर्निंग. कनेक्शनिस्ट लर्निंग क्या होती है, द लर्निंग इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स. ये बेसिकली हमारी वो लर्निंग होती है जिसमें स्टिमुली और रिस्पॉन्स से हमारा कनेक्ट होता है. मतलब कि किस तरह से हम किसी चीज़ का रिस्पॉन्स कर रहे हैं. तो इसमें हमारे दो लर्निंग होती है, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेट कंडीशन. क्लासिकल कंडीशनिंग हमारी दी थी पैवलो मॉडल ने. इसमें क्या था,
इसमें एक तरह से स्टिमुली की मतलब कि लर्निंग थी, जिसमें हमारा था उस पर्सन ने क्या किया था कि उसके सामने एक डॉग, उसके पास एक डॉग था, और उस डॉग से उसने क्या किया कि एक मीट लेके आया, मीट लाया, बेल बजाई, और जो डॉग था उसको सेलिवेशन हुआ, मतलब कि जो सलाइवा हम जिसको बोलते हैं। तो ये एक तरह से डॉग को सिखाने की एक टेक्निक थी, एक लर्निंग थी। उसमें क्या था कि जो उसका मालिक है, डॉग का मालिक है, उसने क्या किया कि पहले वो मीट लेके आया, फिर उसने बेल बजाई, बेल बजाने से डॉग आया सुन के, तो उससे क्या हुआ, सेलिवेशन स्टार्ट हुआ डॉग को कि हाँ मुझे मीट खाना है। तो इससे क्या होता है, ये एक तरह से क्लासिकल कंडीशनिंग थी लर्निंग की। अब यहाँ पे जो डॉग है वो सीख गया कि बेल बजेगी तो उसको खाने को आना है, उसको खाना मिलेगा। तो सेकंड जो सिचुएशन थी उसमें क्या हुआ था, बेल बजी और डॉग आया और सेलिवेशन हुआ, मतलब कि डॉग को समझ आ गया कि बेल बजेगी तो मुझे खाना मिलेगा। तो यहाँ पे एक क्या थी, ये क्लासिकल कंडीशनिंग जिसमें उसने लर्न किया सिचुएशन को स्टिमुली के अकॉर्डिंग। दूसरा हमारा इसमें आता है ऑपरेंट कंडीशन। ऑपरेंट कंडीशन में क्या होता है, हेयर पीपल लर्न टू बिहेव टू गेट समथिंग। यहाँ पे लोग लर्न करते हैं टू गेट समथिंग, मतलब कि हमें पता होता है कि किस तरह की सिचुएशन है और किस तरह की जो क्या कहते हैं कंडीशन हमारे सामने है, हमें उसका रिजल्ट भी पता होता है। कि जैसे कि आगे मैं आपको बताती हूँ, एक इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल का बिहेवियर उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे ही डिपेंड करता है। जैसे कि किसी चीज़ का बिहेवियर है वर्क, वर्क का बिहेवियर है मतलब कि एक काम अगर हम करते हैं तो इंडिविजुअल क्या सोचता है कि कोई काम कर रहा है तो उसको कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे कि उसको पेमेंट मिलेगी। ये उसकी लर्निंग है कि काम करोगे तो पेमेंट मिलेगी तुम्हें। दूसरी इंडिविजुअल का बिहेवियर क्या है, एंटर लाइब्रेरी, जब कोई भी पर्सन है लाइब्रेरी में एंटर करेगा तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि उसको बुक चाहिए, तभी तो वो लाइब्रेरी में एंटर कर रहा है क्योंकि उसको बुक चाहिए। कोई भी इंडिविजुअल है अगर उसका बिहेवियर है किसी से बात करना, टॉक टू अदर्स, तो उसके कॉन्सिक्वेंस के क्या होंगे कि मीट मोर पीपल, वो लोगों से मिल रहा है तभी तो वो बात कर रहा है लोगों से। तो हर चीज़ का एक अलग रिस्पॉन्स होता है जो हमारा लर्निंग में आता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें लर्निंग ही तो है, हमें पता है ना कि किस चीज़ का इफेक्ट, किस चीज़ के कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। अब नेक्स्ट लर्निंग हमारी होती है सोशल लर्निंग, जिसको हम ऑब्जर्वेशन लर्निंग भी बोलते हैं। इसमें हमारा क्या आता है, सबसे पहले अटेंशन। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी हम लर्निंग की बात करते हैं तो हमें अटेंटिव रहना बहुत ज़रूरी है। अटेंशन के बाद हम उसको करते हैं रिटेंशन। रिटेंशन मतलब कि हाउ लॉन्ग रिमेंबर, मतलब कि हमें कितने टाइम तक जो हमारी ये लर्निंग है इसको याद रखना है। उसके बाद हमारा आता है मोटर रिप्रोडक्शन। मोटर रिप्रोडक्शन क्या होता है, जब हमने अटेंशन किया मतलब लर्निंग को अटेंटिवली सुना समझा, उसके बाद हमने ये देखा कि हमें कब तक याद रखना है, कितनी कब तक हमें ये याद रहेगा, तो मोटर रिप्रोडक्शन में हम क्या करते हैं उसको अपने बिहेवियर में एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, मतलब कि एक तरह से रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं उस पर्टिकुलर लर्निंग का। उसके बाद हम क्या करते हैं उसको रेनफोर्समेंट करते हैं। रेनफोर्समेंट क्या होती है, जब कोई पर्टिकुलर चीज़ हमें मोटिवेट करती है किसी काम को करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम ये काम करेंगे तो हमें इससे रिवॉर्ड मिलेगा, तो अगर रिवॉर्ड हमें मोटिवेट करता है ऑब्वियसली मोटिवेशन इंक्रीज इन केस ऑफ पॉजिटिव रिवॉर्ड। अगर किसी चीज़ का हमें पॉजिटिव रिवॉर्ड मिल रहा है तो हम उस चीज़ को करने के लिए और ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे। इस चीज़ को हम बोलते हैं रेइनफोर्समेंट। लास्ट जो हमारी लर्निंग होती है वो हमारी होती है कॉग्निटिव लर्निंग। इसमें हमारा क्या होता है, पास्ट लर्निंग एज प्रेजेंट बिहेवियर। इसमें हमारी कई तरह की होती है, जैसे कि पास्ट लर्निंग को हम अपना प्रेजेंट बिहेवियर ही बना लेते हैं, मतलब कि जो हमारे साथ पास्ट में हुआ हम ये सोचते हैं कि प्रेजेंट में हमारे साथ जैसे कि जैसे कुछ भी सिचुएशन ऐसी आई जो हमारे पास्ट में हमें अफेक्ट करी, तो प्रेजेंट में हम क्या सोच के चलेंगे कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन को अगर ये नेगेटिव है तो हम नहीं करें क्योंकि पास्ट में हमें इसके इफेक्ट मिल चुके हैं। सेकेंड इसमें क्या आता है, मेक चॉइसेस एंड चूज वन। अब जब हमने पास्ट में अपनी कोई ऐसा एक्सपीरियंस कर लिया है और उसको हमने प्रेजेंट में अपना बिहेवियर बना लिया है, तो हम क्या करते हैं चूज करना शुरू कर देते हैं, मतलब कि चॉइसेस हमारे पास बहुत सारी होती है, उसमें से हम चूज करना शुरू कर देते हैं कि हमारे लिए बेस्ट कौन सी है। उसके बाद हम क्या करते हैं, देन रिकॉग्नाइज द चॉइस वॉज गुड और नॉट। अब हमने चूज तो कर लिया, उसके बाद हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो पर्टिकुलर सिचुएशन हमने चूज करी है क्या वो सही है या वो गलत है। उसके बाद हम क्या करते हैं, लर्न फ्रॉम देम एंड फर्दर अप्लाइड इन फ्यूचर चॉइसेस। फिर उसके बाद जब हमें पता चल जाता है कि वो सही है या गलत है, उसके बाद हम उस सीखते हैं
कि जैसे जो हमारा पास्ट में हुआ तो अब हमने उसे सीखा ना, तो अब हम उससे सीखते हैं ताकि जो हमारी गलतियां हमने करी हैं पास्ट में उनको हम फ्यूचर में रिपीट ना करें, उनको अपने प्रेजेंट में रिपीट ना करें और फर्दर हम यही चॉइसेस जो यही कॉग्निटिव लर्निंग है इसको अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट लर्निंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन, हिट द नोटिफिकेशन बेल एंड डू चेक द प्लेलिस्ट फॉर मोर फर्दर इन्फॉर्मेशन।